Hello everyone, this is Chirag Goyal. In this episode, we'll be talking about client-server architecture. इसी के साथ हम देखेंगे एक छोटे से समोसे का स्टॉल हम कैसे एक बड़े रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करते हैं. Along with this business logic, we are also going to learn the what is client, what is server, what is front-end, what is back-end, where the database actually fit into, where the web server basically fit into. And with this, let's get started. There are multiple type of client-server architecture. So like 1-tier, 2-tier, 3-tier and N-tier architecture we will be learning by example. So taking example of 1-tier architecture, जैसे हमारे पास समोसे वाला ठेला है, so समोसे वाला stall है, उसमें समोसे बनाते हैं, समोसे रखते हैं, लोग आते हैं, payment वहीं काटते हैं और finally हम समोसे दे देते हैं. This is how our 1-tier. 1-tier क्यों बोलते हैं? 1-tier इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारा का सारा जो काम है वो एक ही जगह पे होता है. समोसे बनते भी वहीं हैं, समोसे शोकेस भी वहीं होते हैं, समोसे लोग आके वहीं खाते हैं, अकाउंटिंग वाला काम जो है वो सारा का सारा एक जगह होता है. दैट्स वाई दिस इज़ 1-tier आर्किटेक्चर. तो अब ये बिजनेस के लिए ग्रो करने के लिए तो सही नहीं है क्योंकि अच्छे क्लाइंट्स नहीं आएंगे और ग्रो भी नहीं कर पाएगा. तो इसमें प्रॉब्लम्स हैं. इन प्रॉब्लम को कैसे थोड़ा सा रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसी को थोड़ा सा बड़ा रेस्टोरेंट टाइप का सेटअप करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं अच्छे क्लाइंट्स आएँ और ज़्यादा लोग आ सकें. तो हम क्या करेंगे, इसको 2-tier में कन्वर्ट करेंगे. तो अगर हम 2-tier की बात करते हैं तो हमने क्या किया, एक छोटा सा एक सिटिंग अरेंजमेंट बना दिया जहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, ऑर्डर करते हैं, फाइनली खाते हैं और चले जाते हैं. कैसे वर्क करेगा इस केस में? सो एक लोग हैं, आते हैं, बैठते हैं, ऑर्डर करते हैं, उनका ऑर्डर आता है, खाते हैं और फाइनली चले जाते हैं. तो बेसिकली थोड़ा सा तो टेक्निकल टर्म्स इसमें लेके आते हैं कि ये जो बैठने के बाद जो ऑर्डर करते हैं, ये ऑर्डर किसको करते हैं? ऑर्डर करते हैं एक वेटर को. तो वेटर ऑर्डर लेके जाता है और फाइनली ऑर्डर लेके आता है. तो जो ऑर्डर लेके जाता है हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम एक ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 2 समोसे चाहिए, 5 समोसे चाहिए, जो भी चाहिए. सिमिलरली हमें क्या मिलता है, वापस वो समोसे मिलते हैं. तो उसको हम टेक्निकल टर्म में रिस्पॉन्स बोलते हैं. तो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं. टेक्निकल टर्म्स में ये हमारा यूज़र है और ये हमारा क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर है. तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे यूज़र क्लाइंट यूज़ करता है, क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता है सर्वर पे, सर्वर से हमारे पास रिस्पॉन्स आता है और फाइनली उस क्लाइंट का जब काम हो जाता है इट्स बाय बाय. तो यूज़र एंड से डन. तो फ्यू मोर टेक्निकल टर्म्स, एज वी सेड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट समोसे के लिए. व्हाट वी आर गेटिंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर एंड दिस प्रोसेस जो आपका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व है. हमारे रेस्टोरेंट के केस में, हमारे स्टॉल के केस में एक वेटर था, यहाँ पे उसको टेक्निकल टर्म्स में हम API बोलते हैं. सो दिस इज़ अ API विच इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू मेक अ कनेक्शन एंड बेसिकली डू अ कम्युनिकेशन बिटवीन योर क्लाइंट एंड सर्वर. ओके, नाउ लेट्स इन्हांस दिस. तो आप क्या करते हैं, आपको उसको 3-tier में कन्वर्ट करते हैं. 3-tier इन द सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अब जो हमारा स्टॉल है उस स्टॉल में ही उसके सारे काम है, लाइक उसको पेमेंट भी वहीं पे कलेक्ट करनी पड़ती है, बनता भी वहीं पे है, सारा काम होता है. तो हम क्या करते हैं, एक और लेयर लेके आते हैं जो कि यहाँ पे अकाउंटिंग की बीच में लेयर है. सो बेसिकली आपको अमाउंट पहले देना होता है, फिर उस अमाउंट देने के बाद आपका ऑर्डर जाता है, ऑर्डर आके फिर आपको काउंटर पे मिल जाता है. तो बेसिकली इसके इस फ्लो में क्या हो रहा है, यूज़र आया, यूज़र बैठा, यूज़र ने गया पेमेंट किया, बेसिकली पेमेंट और ऑर्डर गया और ऑर्डर आपका सर इसके पास स्टॉल के पास गया, स्टॉल से वापस आपके पास समोसे आए काउंटर पे और उस काउंटर से आपको जो डिलीवरी बॉय है और आप ये कह लो वेटर है, उसने आपको काउंटर सर्व किया और फाइनली आपने खाया और आप बाय बाय. तो थोड़ा सा और टेक्निकल जो चीज़ें हमने पहले देखी थी, हमने क्या किया था, दिस इज़ योर यूजर, ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सो बेसिकली सर्वर तो दोनों हैं, बट इस केस में हमने क्या किया, स्पेशलाइजेशन दे दिया कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न. ये हमारा सर्वर कौन सा है, अकाउंट सर्वर, ये सिर्फ अकाउंटिंग के लिए काम आता है और ये वाला सर्वर हमारा कौन सा है, समोसा सर्वर, से कि हमारा सिर्फ समोसे प्रोवाइड करने के लिए काम आता है. डन. नाउ कम्युनिकेशन इज हैपनिंग इन सेम फैशन, यूज़र क्लाइंट यूज़ करेगा, क्लाइंट से अकाउंट सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, अकाउंट सर्वर से समोसा सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी, समोसा सर्वर से वापस से समोसे आएंगे काउंटर पे, फिर फाइनली
अकाउंट सर्वर से आपके पास क्लाइंट के पास रिक्वेस्ट जाएगी, फाइनली क्लाइंट का काम हो गया और इसके पास वापस चला जाएगा. तो कपल ऑफ थिंग, व्हाट इज दिस, ये बेसिकली दीज आर एपीआईज टू नोट वन इम्पॉर्टेंट थिंग. यहाँ पे हमने छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है, वो है आपकी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो एपीआईज होती हैं वो सिर्फ क्लाइंट सर्वर के बीच में नहीं होती हैं, ये सर्वर के टू सर्वर के बीच में भी हो सकती हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. ओके, फिर सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास आपका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है. डन. तो बेसिकली क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया सर्वर से, सर्वर की डिपेंडेंसी थी दूसरे सर्वर के ऊपर, समोसा सर्वर के ऊपर, वहाँ उसने रिक्वेस्ट किया, उसको रिस्पॉन्स मिला, फाइनली अकाउंट सर्वर ने क्लाइंट को भेज दिया. तो ये हमारा सब काम किसने किया था? देर वॉज अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व एज एन वेटर. ठीक है, तो ये वेटर मल्टीपल जगह पे है. तो ये वेटर आपका अकाउंट के पास भी जाने के लिए काम आएगा, अकाउंट से वापस समोसे लेके और फाइनली आपको डिलीवर करने के लिए काम आएगा. नाउ यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, समोसे बन भी एक ही जगह पे रहे हैं और वहाँ से ही सर्व हो रहे हैं. व्हाट इफ वी इंट्रोड्यूस अ न्यू लेयर जो कि हमारा समोसे बनाने के लिए, समोसे स्टोर करने के लिए काम आता है. दिस इज अ फैक्ट्री. सो इन दिस फैक्ट्री समोसाज आर क्रिएटेड एंड दीज आर केप्ट. तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब समोसे स्टोर यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, समोसे बनते कहीं और हैं, वहाँ से जब कोई रिक्वेस्ट उस पर जाती है तो वहाँ से हमें वो समोसे मिल जाते हैं. नाउ इस केस में अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बोलेंगे तो ये जो यहाँ पे समोसे बन रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, वो है डेटाबेस. ओके, लेट्स राइट दैट. तो ये बेसिकली हमने एक डेटाबेस बनाया है. इस डेटाबेस का काम क्या है? समोसे स्टोर करना. यहाँ बनेंगे समोसे और स्टोर होंगे. तो बेसिकली अब आपका जो सर्वर है इस डेटाबेस को रिक्वेस्ट करेगा, वहाँ से वापस आपको डेटा मिलेगा, समोसे मिलेंगे और वो बेसिकली फाइनली क्लाइंट को सर्व होंगे. तो अब थोड़ा सा पिक्टोरिकल वे में, जैसे हम जनरली आर्किटेक्चर्स वगैरह देखते हैं, उससे उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, डेटाबेस जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे हमारा कोई भी सर्वर जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंपल सा लेयर ऐसे बना के, और हम हमारे पास जो हमारा क्लाइंट है, सो वेब क्लाइंट कौन हो सकता है? वेब क्लाइंट इट कैन बी योर ब्राउजर इन टेक्निकल टर्म, इट कैन बी योर मोबाइल, इट कैन बी ऑल अदर सोर्सेज एज वेल. तो हमारा क्लाइंट क्या है टेक्निकल? इट इज़ अ वेब एप्लीकेशन हमारा जो कि क्रोम में ओपन हो सकता है, इट कैन बी ऑन द मोबाइल, इट कैन बी मोबाइल ऐप, इट कैन बी एंड्रॉयड आईओएस ऐप, इट कैन बी एनीथिंग. हमारा सर्वर कौन सा है? सर्वर इज समथिंग विच इज केप्ट आउटसाइड, इट कैन बी इन योर मशीन, इट कैन बी आउटसाइड, जनरली इट इज केप्ट आउटसाइड. रीजन, वो तभी तक एक्सेसिबल होगा जब तक आपका सिस्टम चलेगा. तो सेंट्रलाइज अगर प्लेस पे रख देंगे तो कहीं से भी एक्सेसिबल होगा. सिमिलरली यू हैव अकाउंट सर्वर, यू हैव समोसा सर्वर एंड फाइनली यू हैव अ डेटाबेस. ओके, विद दिस यू सी वी हैव क्रिएटेड एन नंबर एन आर एन टीयर आर्किटेक्चर. इस केस में फोर हैं. यू कैन थिंक ऑफ देयर कैन बी अदर मोर सर्विसेज आर अदर मोर सर्वर्स बेसिकली दैट विल कीप योर इन्फॉर्मेशन एंड दैट विल बी डूइंग सम कॉम्पिटिशन. टेकिंग एग्जाम्पल, जो कटलरीज हैं, आपके नैपकिन्स हैं, जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशंस हैं, जो यहाँ पे स्टोर है, वो अलग अलग सर्वर में स्टोर हो सकती हैं और ये आपका जो सिस्टम है ये एन टीयर आर्किटेक्चर में स्केल कर सकता है. सो विद दिस जस्ट वॉन्टेड टू हाईलाइट कपल ऑफ थिंग. वॉट इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड इन दिस केस? लेट्स विजुलाइज. ओके, सो इन इन दिस केस बेसिकली वी हैव सम फ्रंट एंड एंड बैक एंड. सो लेट्स ट्राई टू हाईलाइट. वी हैव दिस इज फ्रंट एंड एंड दिस इंटायर पीस इज कॉल्ड बैक एंड. वाई फ्रंट एंड? बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज फ्रंट फेसिंग फॉर ऑल द यूजर्स. सारे यूजर्स यहीं पे आते हैं, यहीं पे बैठते हैं, यहीं पे सब समोसे के लिए ऑर्डर करते हैं और फाइनली यहाँ से खा के चले जाते हैं. तो सिमिलरली दिस इज योर फ्रंट एंड, दिस इज फ्रंट फेसिंग. एवरीथिंग दैट हैपन्स बिहाइंड द सीन, जो आपको नहीं पता क्या हो रहा है, दैट इज योर बैक एंड. योर डेटा बेस, एवरीथिंग कम्स इन अ बैक एंड. सो दिस इज योर फ्रंट एंड, दिस इज योर बैक एंड. बेसिकली दिस इज हाउ एनी ऑफ योर एप्लीकेशन वर्क्स. सो यू कैन इमेजिन एंड यू कैन वर्क ऑन दोज डायरेक्शन. ओके, विद दिस आई होप यू लाइक द वे वी डिस्कस अबाउट द क्लाइंट साइड आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड कॉमेंट विद ऑल योर थॉट, हाउ यू वॉन्टेड टू बेसिकली, वॉट ऑल अदर सर्विसेज यू वॉन्टेड टू बेसिकली स्केल अप. एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. See you in the next episode. Thank you.